तो वेलकम अपडेट्स दूंगा तो वीडियो को बिना देखना so, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जिसके बारे में नेजी भाई क्या कहा है, आप लोग खुद ही सुन बोल रही पब्लिक सबके लिए वापस आ रहा हूँ नया गाना लेके तुम लोग सबसे मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉग है इस so, वजह से ऊपर वाले ने पॉसिबल किया है की मैं वापस आऊँ और नया गाना बनाऊ और तुम लोग सबके लिए पेश करूं नए गाने को एक्सक्लूसिवली मेरे खास फैंस के लिए जो मुझे बहुत चाहते हैं मानते हैं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ मैंने क्या गलती गलतियां किए लाइफ में मुझे उसका सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और मैं वापस आ रहा हूं मैं डरा नहीं मैं रुका नहीं मैं गिरा नहीं मैंने हार नहीं माना मैं वापस आ रहा हूं पूरी ताकत के साथ वापस आ रहा हूं और मैं आफत हूं मैं तूफानों से नहीं डर सकता और मैं आंधियों से लड़ूंगा जज्बातों से लड़ूंगा और मैं कामयाब होके दिखाऊंगा अपने फैंस के लिए अपने लिसनर्स के लिए ऊपर वाले के लिए घर और वा, घर वालों के लिए मैं सबके लिए जिंदा हूं कर रहा हूं मेहनत और वापस आ रहा हूं और ये मेरा एक्सक्लूसिव ट्रैक है तुम सबके लिए तो तैयार रहो कल चौदह तारीख को तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे एमसी स्टैंड भाई के बारे में तो एमसी भाई एक, एक स्टोरी डाले थे और जिसपे एमसी स्टैंड भाई लिखे थे स्टॉप कॉपिंग मी यू आर नॉट इवन डूइंग राइट तो आप लोगों को क्या लगता है स्टोरी पे किसके बारे में बात हो रहा है कमेंट में जरूर बताना तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे सीधे मौत के बारे में तो सीधे मौत एक फोटो डाले थे अपना और कैप्शन पे लिखे थे अ स्पार्क योर एल्बम केम आउट नाउ यू आर जस्ट गार्डेज इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोग इस कैप्शन को लेकर बात कर रहे थे की शायद से सीधे मौत भाई किससे के ऊपर शॉट ले रहा है तो काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि शायद से लोका भाई के ऊपर कोई शॉट ले रहा है बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे बादशाह भाई के बारे में तो बादशाह भाई अपने एक फोटो डालते हुए लिखे थे गेट ईओर पॉपकॉर्न आउट तो लगता है बादशाह भाई की तरफ से बहुत ही जल्द एल्बम आने वाला है तो कौन कौन बादशाह भाई के एल्बम का वेट कर रहे हो कॉमेंट में जरूर बताना इस वीडियो में तो इतना ही मिलता है एक नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर